हेलो एवरीवन, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं दी एक्सप्लेनेशंस लूप यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं लिटिल थिंग्स सीजन वन का रिकैप देने वाला हूं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने दी एक्सप्लेनेशंस लूप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर ले, क्योंकि मैं इसी तरह की फिल्म और टीवी सीरीज रिकैप्स और एक्सप्लेनेशंस वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए लिटिल थिंग्स सीजन वन की रिकैप स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते होंगे, लिटिल थिंग्स स्टोरी है काव्या और ध्रुव की, जो मुंबई में लिव इन में रहते हैं और उन्हें कल सुबह जल्दी उठना है क्योंकि उन्हें 2 घंटे ट्रैवल करके एक दोस्त की वेडिंग में जाना है। लेकिन यहाँ आधी रात में काव्या अपनी साड़ी सिलेक्ट करने में लगी हुई है। अब यही होना था, दोनों सुबह उठने में लेट हो जाते हैं और ध्रुव इससे नाराज हो जाता है और काव्या उसे मनाने के लिए ढेर सारा खाना बनाती है। काव्या कहती है क्यों ना वो दोनों इनसाइड आउट मूवी देखें, और ध्रुव पहले ही काव्या को वार्न कर देता है कि काव्या रोने लगेगी। लेकिन फिल्म देखते वक्त ध्रुव रोने लगता है। ध्रुव के कहने पर दोनों मॉल आर्केड खेलने जाते हैं, लेकिन मॉल के मैनेजर कहता है कि ऊपर एक बच्चे का बर्थडे पार्टी चल रहा है, इसीलिए उन्हें जाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि ध्रुव के टी शर्ट पे इन कॉक वी ट्रस्ट लिखा हुआ है। दोनों बाहर चले आते हैं और काव्या ध्रुव को समझाती है कि उसे नहाना चाहिए था और अपने कपड़े बदलने चाहिए थे, लेकिन ध्रुव कहता है तुम तो जानती हो कि मैं संडे को नहीं नहा था। काव्या ध्रुव को साथ में सलो लेकर जाती है और उसे कहती है कि तुम अपना फुटबॉल मैच वहीं देख लेना। लेकिन पार्लर में मैच देखते वक्त ध्रुव काफी अग्रेसिव हो जाता है और चिल्ला चिल्ला कर गाली देने लगता है, और काव्या ध्रुव को कहती है कि तुम बाहर मैच देखो और तुम्हें पब्लिक में ठीक से बिहेव करना चाहिए। दोनों रात में घर आ जाते हैं और काव्या यहाँ कहती है कि हमारे दोस्त कहाँ कहाँ घूम रहे हैं तो वहीं हम यहीं घर पे हैं। लेकिन ध्रुव बताता है कि उसके लिए यह संडे एपिक था। काव्या ध्रुव पे गुस्सा है क्योंकि ध्रुव की वजह से उसे बिना आयरन किए हुए शर्ट्स को पहनना पड़ रहा है। काव्या ऑफिस लेट पहुंचती है और यहाँ काव्या को पता चलता है कि उसने जल्दी जल्दी में एक इयर रिंग पहना ही नहीं है। ध्रुव यहाँ टेंशन में है क्योंकि उसका पेपर सिलेक्ट ही नहीं हो रहा तो उसे डिग्री कैसे मिलेगा। आकाश ध्रुव को चेयर करने के लिए उसे ड्रिंक पिलाता है और बिरयानी भी ऑर्डर करता है, लेकिन एक पार्सल करके काव्या के ऑफिस भिजवाता है। आधी रात में ध्रुव और काव्या आइसक्रीम खाने निकलते हैं और वहां ध्रुव की मुलाकात उसकी एक दोस्त से होती है। काव्या का एक्स बॉयफ्रेंड आकाश शादी कर रहा है और जिस लड़की से उसकी शादी हो रही है वो बहुत सुंदर है, जिससे काव्या को प्रॉब्लम है। और ध्रुव काव्या का सैंडविच खा लेता है और काव्या कहती है कि ये सैंडविच का बेस्ट पार्ट था, और ध्रुव कहता है कि तुम्हें इसके लिए खराब लगना चाहिए ना कि तुम्हारे एक्स के लिए। ध्रुव मैसेज करता है कि वो दोनों रेस्टोरेंट जाने वाले हैं, इसलिए वो काव्या को थोड़ा लाइट खाना खाने को कहता है। लेकिन ऑफिस में तो पूरा बुफे लगा हुआ है और काव्या की वजह से दोनों रेस्टोरेंट पहुंचने में लेट हो जाते हैं और ध्रुव का जो खाने का मन था मटन वो खत्म हो जाता है, और लास्ट में दोनों अंडा भुज्जी खाते हैं। कैब में दोनों झगड़ने लगते हैं क्योंकि काव्या को शिफा के टैबू नाइट पार्टी में जाना है, तो वहीं ध्रुव को गेम ऑफ थ्रोन्स का नया एपिसोड देखना है। और ध्रुव काव्या को अकेले जाने को कहता है क्योंकि उसे गेम ऑफ थ्रोन्स की एपिसोड किसी भी तरीके से देखना है क्योंकि वो स्पॉयलर्स नहीं सुन सकता। लेकिन दोनों पार्टी में जाते हैं और काव्या ध्रुव को एक पिक में टैग करती है। टैबू गेम में शिफा आदि को चीटिंग करते हुए देख लेती है और गुस्से में वहां से गेम छोड़कर चली जाती है। घर आते वक्त लिफ्ट में जो नहीं होना चाहिए था वही होता है, ध्रुव को गेम ऑफ थ्रोन्स के नए एपिसोड का स्पॉयलर्स मिल जाता है। अब दोनों सुबह सुबह उठकर भज्जी खाने मुंबई से 2 घंटे दूर जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुकान खाली है और काव्या कहती है क्यों ना वो दोनों यहाँ के व्यू एंजॉय करें, और दोनों वाइन यार्ड जाते हैं और उन दोनों को वाइन टेस्टिंग ग्रुप में इन्वाइट किया जाता है, जहाँ वो वाइन टेस्टिंग करते हैं और वाइन के बारे में भी बहुत कुछ उन्हें जानने को मिलता है। लेकिन जब वाइन को गार्गल करते हुए काव्या एक डबल मीनिंग जोक मारती है, ध्रुव अपने बगल खड़े अंकल पर वाइन फेंक देता है। काव्या यहाँ कहती है कि वो जॉब क्विट करने का सोच रही है, लेकिन डरती है कि उसके बाद अगर उसका कुछ ना हुआ तो क्या होगा। लेकिन ध्रुव समझाता है कि अगर काव्या कुछ फिगर आउट करने के लिए जॉब क्विट करना चाहती है तो वो वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होगा, और काव्या को इसी को लेकर प्रोज और कॉन्स बताता है, और काव्या कहती है कि वो सीरियसली इसके बारे में सोचना चाहती है। काव्या यहाँ ध्रुव को बताती है कि वो स्कूल में काफी अच्छी थी और वो सोचती थी कि उसकी आगे की लाइफ काफी किक एस होने वाली है, लेकिन रियलिटी में उसकी लाइफ कुछ ज्यादा ही कम्फर्टेबल और लेजी है। ध्रुव यहाँ कहता है कि उसे अच्छा लगा कि काव्या उसके सामने इतनी ओपन अप हुई, और काव्या यहाँ ध्रुव को बताती है कि वो यहाँ भज्जी खाने के लिए नहीं आई थी और ना ही वाइन पीने के लिए, और ध्रुव को याद दिलाती है कि वो 2 साल पहले यहीं पहली बार मिले थे। और यहाँ लिटिल थिंग सीजन 1 एंड होती है। तो आपको ये रिकैप वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने दी एक्सप्लेनेशंस लूप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की फिल्म्स और टीवी सीरीज रिकैप्स और एक्सप्लेनेशंस वीडियोस लाता रहता हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।